जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स कैंसर एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। और आज के लेक्चर में हमने इन दोनों एस्पेक्ट्स की बात करनी है कि लंग्स कैंसर क्या चीज है, किस डिजीज का नाम है, क्या कॉजेज है, और अगर हो जाए तो इसके इम्पैक्ट्स क्या है, सिम्टम्स क्या है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से जो बैड इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे आते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन से टिश्यू ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ लंग्स कैंसर। और सबसे पहले जो चीज मेरे बेटा आपको समझनी है वो ये है कि कैंसर क्या होता है। अब आई होप कि आप लोग वाकिफ होंगे कि कैंसर वर्ड का जो बुनियादी मतलब है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है। तो अब हम यहां पर अगर लंग्स कैंसर की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि भाई ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें लंग्स के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो जाती है उसको हम लंग्स कैंसर कहते हैं। लंग्स कैंसर इज बेसिकली अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इन द लंग्स टिश्यू। अगर लंग्स के टिश्यूज में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो जाती है तो हम कहेंगे जी लंग्स कैंसर हो गया। अब होता क्या है कि किसी भी रीजन की वजह से, डेफिनेटली वो रीजन हम अभी पढ़ेंगे, किसी भी रीजन की वजह से लंग्स टिश्यू के जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, खुद ब खुद ही डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, तो एक ट्यूमर सा क्रिएट हो जाता है, मैस ऑफ सेल्स क्रिएट हो जाता है, हम कहते हैं भाई लंग्स में हो गया है कैंसर। अब आ जाइए लंग्स कैंसर की कॉजेज के ऊपर कि क्या क्या वो वजूहात हैं जिनकी वजह से लंग्स कैंसर होता है। तो जो सबसे मेन रीजन है मेरा बेटा लंग्स कैंसर की, वो कहा जाता है जी के स्मोकिंग है द वेरी फर्स्ट रीजन। One of the main reasons is smoking. भाई वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनके अंदर लंग्स कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये तो एक मेन रीजन है ना, इसके अलावा दो और reasons भी हैं। एक रीजन है जी आयोनाइजिंग रेडिएशन, और एक और रीजन है एंड दैट इज वायरल इन्फेक्शन। यानी जो लंग्स कैंसर है वो स्मोकिंग से भी हो सकता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन से भी, और वायरल इन्फेक्शन से भी लंग्स कैंसर हो सकता है। बट इन तीनों में से जो सबसे मेन रीजन है वो स्मोकिंग है। सबसे ज्यादा लंग्स कैंसर के चांसेस उन लोगों में होते हैं जो सिगरेट पीते हैं। बहरहाल ये दोनों रीजन भी गैर आम नहीं है। देखिए आयोनाइजिंग रेडिएशन ऐसी रेडिएशन होती है जिनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो जो है ना किसी भी मैटर को आयोनाइज कर दें, जैसे कि आपने अल्फा बीटा गेमा रेज का जिक्र पढ़ा होगा कहीं ना कहीं फिजिक्स में। तो अगर इंसान का रेडिएशन से वास्ता पड़ता है तो उसको तो फिर तो डेफिनेटली कैंसर होने के चांसेस होते ही है ना, बिकॉज इन रेडिएशन का जो इम्पैक्ट है वो कार्सिनोजेनिक होता है। और कुछ वायरल इन्फेक्शन भी ऐसे हैं जो आपके ऑन्कोजीन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं और उसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। बट अगेन द मेन रीजन इज स्मोकिंग। अब एक तो रीजन ये है जी कि स्मोकिंग की वजह से लंग्स कैंसर होगा। यहां पर एक सवाल आपके दिमाग में बेटा ये भी आ सकता है कि स्मोकिंग से लंग्स कैंसर होने के चांसेस क्यों ज्यादा है। भाई जो सिगरेट लोग पीते हैं उस सिगरेट के अंदर आम तौर पर तकरीबन 50 टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। नाउ कार्सिनोजेंस जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं दैट कैन कॉज कैंसर, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स को हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो सिगरेट के अंदर 50 मुख्तलिफ तरह के कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं और उसकी वजह से लंग्स कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब यहां पर एक और बात है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव स्मोकिंग। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल लाइक अस जो स्मोक करते तो नहीं है बट उनका वास्ता ऐसे लोगों से जरूर पड़ता है जो स्मोकिंग करते हैं। तो आपकी बुक वाला कहता है जी कि लंग्स कैंसर की एक बड़ी वजह पैसिव स्मोकिंग भी है। नाउ व्हाट इज द पैसिव स्मोकिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। भाई हम ये कहते हैं कि इनहेलेशन ऑफ स्मोक ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे बंदे की सिगरेट का स्मोक है और वो आप इनहेल किए जा रहे हैं। नाउ दिस इज वी से पैसिव स्मोकिंग, यू आर नॉट डूइंग स्मोकिंग एक्टिवली, पैसिवली स्मोक आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है। बट ऐसा तब होता है जब आप
किसी ऐसी गैदरिंग या किसी ऐसी महफिल में बैठते हैं जहां कुछ लोग सिगरेट पी रहे हो, तो उनके सिगरेट का जो धुआं है वो फिर आपके लंग्स तक भी पहुंचता है जब आप सांस लेते हैं। तो इसको कहते हैं जी पैसिव स्मोकिंग। आपकी बुक वाला कहता है ये पैसिव स्मोकिंग जो है ये एक्टिव स्मोकिंग की नस्बत ज्यादा खतरनाक होती है। उसकी रीजन सुन लीजिए क्यों ज्यादा खतरनाक होती है। देखिए हमारी फैमिली में, हम सब की फैमिलीज में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग करते होते हैं, और हम बैठ जब इकट्ठे बैठे तो वो भी बैठते हैं और वो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं और हम उनके पास बैठे होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो बंदा सिगरेट पीने वाले के पास बैठा होता है उसके लंग्स में जो धुआं जा रहा होता है वो सिगरेट के कॉर्नर से निकल के जा रहा होता है। जो बंदा सिगरेट स्मोक कर रहा होता है और जो है उसका धुआं इनहेल कर रहा होता है वो धुआं सिगरेट के फिल्टर से होके जा रहा होता है। सिगरेट के एंड में एक फिल्टर होता है जिस फिल्टर का काम बेसिकली सिगरेट के कार्सिनोजेंस को फिल्टर करना होता है। तो आप ऐसे समझिए कि जो बंदा सिगरेट पी रहा होता है वो क्लीन स्मोक जो है ना इनहेल कर रहा होता है, निस्बतन क्लीन, बट जो उसके साथ बैठा होता है उसके लंग्स में जो स्मोक पहुंच रहा होता है सिगरेट के कॉर्नर से निकल के वो अनफिल्टर्ड होता है और उसमें कार्सिनोजेंस ज्यादा होते हैं। दिस इज व्हाई वी सी कि जो पैसिव स्मोकिंग है इसकी वजह से लंग्स कैंसर के होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब कॉजेज के बाद थोड़ा बहुत जो है मेरा बेटा सिम्टम्स की भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या अलामत हैं जी, क्या क्या सिम्टम्स हैं। भाई अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सिम्टम है वो है जी वेट लॉस। जिस बंदे को लंग्स कैंसर हो जाएगा उसका वेट लॉस होने के चांसेस हैं, वेट कम होता जाएगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, उसका सांस जो है मेरा बेटा वो कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, कफिंग होगी, खांसी आएगी। तो ये हमारे पास कुछ मेन सिम्टम्स हैं जिनसे ये आइडिया हो सकता है कि इस बंदे को कहीं ना कहीं लंग्स कैंसर है। लास्टली अगर हम लंग्स कैंसर की क्योर की बात करें या इलाज की बात करें तो देखिए बेटा लंग्स कैंसर का इलाज तो बेसिकली वही होगा जो बाकी दूसरे कैंसर के डिजीजेस में होता है, यानी एक वही जनरलाइज्ड इलाज होगा। बट इफ यू टॉक अबाउट द प्रिवेंशन कि बचा कैसे जा सकता है लंग्स कैंसर से, तो उसमें जो सबसे प्राइमरी रीजन है लंग्स कैंसर की स्मोकिंग। अगर हम स्मोकिंग अवॉइड करें, अगर हम स्मोकिंग से बच जाएं, अगर हम लोगों को स्मोकिंग से बचाएं तो वी कैन प्रिवेंट लंग्स कैंसर। दिस इज द मेन वे टू गो टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम द लंग्स कैंसर, कि आप स्मोकिंग से प्रिवेंट करें जितना हो सके, खुद भी बचें और दूसरों को भी बताएं कि स्मोकिंग के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, बैड इफेक्ट्स हैं और आपको इससे बचना चाहिए। अब ये जो टीथ लॉस है ये स्मोकर्स के अंदर बेटा 2 से 3 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नॉन स्मोकर्स। इसी तरह जो हमारे पास डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस की, एक डिजीज है जिसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बोलते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर टीबी के होने के चांसेस मेरा बच्चा तकरीबन 4 times ज्यादा होते हैं। इसी तरह जो नमोनिया की डिजीज है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो स्मोकर्स के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और नमोनिया जो है उसके होने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 4 times ज्यादा हैं एज कंपेयर्ड टू द नॉन स्मोकर्स। तो ये कुछ डिजीजेस हैं। इसके अलावा किडनी कैंसर भी इसकी वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से। यानी एक लंबी फहरिस्त है, आपके जहन में जो भी बीमारी आ जाए आपकी बॉडी से रिलेटेड उसका स्मोकिंग से ताल्लुक कहीं ना कहीं बेटा निकल आएगा। स्मोकर्स में वो बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द नॉन स्मोकर्स। ऐसा नहीं है कि नॉन स्मोकर्स में होगी ही नहीं, बट इफ वी ड्रॉ कंपैरिजन तो हमें पता चलता है कि नॉन स्मोकर्स में ये बीमारियां होने के चांसेस इतने ज्यादा होते हैं। अब इस हवाले से जब हमने इतनी ज्यादा बात की है स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स की, तो डेफिनेटली स्मोकिंग को रोकने के लिए भी कोई ना कोई काम हो रहा होगा ना। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस हवाले से बड़ा काम कर रही है, बल्कि एक इंटरनेशनल डे भी डेडिकेटेड है टोबैको स्मोकिंग को रोकने की तरफ, और उसको हम कहते हैं बेटा वर्ल्ड नो टोबैको डे। नाउ दिस वर्ल्ड नो टोबैको डे पूरी दुनिया में हर साल मनाया जाता है ऑन द 31st of May। ये फिगर भी आपको याद रखना होगा फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू कि ये वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो कब मनाया जाता है।
अब आज के लेक्चर में हमने अपने दो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया. द फर्स्ट वन वॉज लंग्स कैंसर एंड द सेकेंड थिंग वॉज बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. आई होप आपको समझ आई होगी. अगर आपका कोई भी सवाल हो तो यू पीपल आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी ओवर द पोर्टल ओवर द ऐप. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.